हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना अक्टूबर पीएनएल का स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा ठीक है व्हाट इन अक्टूबर 24 जो पीएनएल है व्हाट आई हैव डन एंड हाउ मच रिटर्न्स आई हैव मेड दिस मंथ दो uh, आप सबको पता होगा ये महीना बहुत ही बेकार था ठीक है बहुत सारे uh, एसएल uh, हिट हुए थे इस मार्केट में इनफैक्ट मेरे भी दो एसल हिट हुए हैं एंड बिकॉज ऑफ विक्स एंड ग्लोबल इवेंट्स इन दोनों इवेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली थी सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स सो बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट की आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखेगा एंड अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं मार्केट के बारे में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ बिकॉज जिसने भी मेरा सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर का पीएनएल स्टेटमेंट वाला वीडियो पूरा देखा होगा तो दे वुड हैव बीन अवेयर कि यस मार्केट में कम से कम दो हजार पॉइंट का ड्रॉप आने वाला है जो कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था सो इसलिए प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली ओके एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज एज़ वेल ओके सो वी विल स्टार्ट सो बिफोर आई शो यू माय पीएनएल स्टेटमेंट मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूँ ठीक है जैसे कि मैंने अपने सितंबर uh, 24 वाला जो पीएनएल था लास्ट मंथ का पीएनएल वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वॉज द अपडेट ऑफ से अपडेट दिया था वेन मार्केट वॉज हेयर एट दिसंट ऑफ टाइम जब मार्केट यहां पर था सेप्टेंबर ट्वेंटी सेवन को सेप्टेंबर ट्वेंटी डे वेन आई सेट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल इन द मार्केट ठीक है एंड ये मैंने कहा दिया था आई गेव दिस अपडेट इन माई ट्रेडिंग सीक्रेट्स चैनल ठीक है ट्रेडिंग सीक्रेट्स का जो मेरा चैनल है उसमें मैंने दिया था उसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा ठीक है एंड आई टोल्ड की देर इज अग ड्रॉप एज पर डेटा दट आई एम एक्सपेक्टिंग अक्टूबर ट्वेंटी में आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग ड्रॉप इन द मार्केट ठीक है एंड

ठीक है एज ऑफ नाउ इफ यू क्यूड सी मार्केट जो है अभी एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है उसमें चला गया था ठीक है दिस वाज़ द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एंड इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रोकन डाउन करने के बाद अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में एंड इट मे रिमेन विद इन द कंसोलिडेशन फेज ठीक है सेम टाइप का पैटर्न वॉज सीन इन बैंक निफ्टी ऑल्सो जो हैोल्डर्स पैटर्न है वो आपका नेक और शोल्डर के बीच में अभी स्टक हो गया है ठीक है नेक लाइन एंड शोल्डर लाइन जो है उसके बीच में इट इज स्टक सो इट इज इन कंसोलिडेशन फेज सो इफ यू आस्क आई वु बी एन एफ इस A little bit more positive than Nifty. Nifty is highly negative right now. Okay, and one-two pullback aata hai, People started saying that market is going to go up. Uh, bottom fishing, curlo, bottom fishing, karlo, buy, curlo. So it is just a pullback. Remember, this is not a recovery. ठीक है जब रिकवरी आएगी ना तो रिकवरी आप लोगों को दिखेगी बिकॉज रिकवरी आने के बाद एक बुल रन स्टार्ट होगा ठीक है एंड बुल रन वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा अगर रिकवरी दिखने में आपको कम से कम पांच सौ या हजार पॉइंट का दिख जाता है कि भाई हाँ अब रिकवरी आ सकती है तो आप मान के चलिए कि जो नेक्स्ट बुल रन है वो कम से कम टू थाउजेंड का और रहेगा ठीक है सो यू विल नॉट लूज आउट आप अगर बॉटम फिश पुल बैक को अगर आप रिकवरी समझ के बॉटम फिश करने के चक्कर में तो आई वुड नॉट एडवाइज इट बिकॉज अभी मार्केट का अभी कुछ क्लियर नहीं है ठीक है 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 जो मेरा ultimate target है, that is 20, levels. ये जब target आ जाएगा that is the time कि market के अंदर गिरावट पूरी हो चुकी है. Why this level will come? आप लोग अगर मेरे पीएनएल वीडियोस देखते हैं तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट इवन आई मेक इट वेरी इजी फॉर यू आप लोग मेरा ईयरली पी वीडियो है उसको एक बार फिर से देख लीजिए तब आपको पता चल जाएगा वाई दिस ट्वेंटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ठीक है द डे दिस विल कम आई वुड ओवर नाउ मार्केट इज रेडी फॉर अनदर बुल रन फॉर नेक्स्ट टेन थाउजेंड पॉइंट दिस इज द टारगेट दैट आई एम होल्डिंग फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू इजली थर्टी थाउजेंड विद इन टू इयर्स दिस इज द टारगेट आई एम होल्डिंग राइट ना ओके सो इसके भी और आ, काफी तरीके हैं वाई ट्वेंटी इस पर जब यह ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड आया था वाई एसेड की मार्केट में मैं इन आई बिन टेलिंग टू माई स्टूडेंट की नेक्स्ट वन टू टू ईयर्स

फॉर नेक्स्ट टू इन इतने को कंसोलिडेशन uh, करने के लिए मतलब इसको गिरना ही पड़ेगा या फिर कंसोलिडेशन फेस में रहेगा इट विल नॉट गो बियॉज अगर निफ्टी इंडेक्स मेजर इंडेक्स अगर इतना रिटर्न दे रहा है तो जितने भी ईटीएफ है जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह सेक्टर्स में जा रहे हैं देन पीपल विल नॉट गो इन टू दैट तो ग्रोथ विल नॉट कम पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी इंडेक्स फंड जो कि टोटल रिटर्न इंडेक्स टीआरआई जो निफ्टी का है उसको रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं तो दे विल मूव इन टू इंडेस इंडेक्स फंड ऑलरेडी गिवन ऑलमोस्ट ट्वेंटी इन दिस ईयर सीएजीआर पास टू ई ट्वेंटी परसेंट के ऊपर दे रहे हैं गुड रिटर्न इंडेक्स इंडेक्स फंड इतना ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं ठीक है वैन वी टॉक अबाउट ऑन लार्जर टाइम टाइम दे शुड नॉट गिव दिसर्न सो दे है सो दीज आर फ्यू रीजन देर आर मेनी अदर रीजन एज वेल वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज थिंग ताकि आप लोगों को एसिमिलट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो ज्यादा चीजें बताऊंगा तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा एंड यू विल बी लॉस्ट ओके सो दिस इज वन ऑफ द थिंग ओके सो निफ्टी जो है ओके okay, निफ्टी uh, में आई जस्ट टोल्ड यू देर इज अ गुड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज गोइंग ऑन सो टाइम मार्केट इज नॉट ईदर क्लोजिंग एबेंटी फोर एट हंड्रेड लेवल फर्स्ट स्टेप ठीक है जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा मार्केट पॉजिटिव नहीं है ध्यान रखिएगा मार्केट एवरी पुल बैक विल बी सोल्ड बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर जब भी कभी सेल होता है वो हमेशा राइज पर होता है ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर सो एवरी राइज वुड बी सोल्ड टिल द टाइम ट्वेंटी टाइम फ्रेम मार्केट इज नॉट पॉजिटिव एंड रिकवरी वुड ओनली बी सीन टिल द टाइम दिस हेड एंड shoulders पैटर्न इज नॉट ब्रेकिंग आउट ये है 25,200 के ऊपर जब इसको ब्रेक आउट कर देगा देन ओनली नेक्स्ट run विल बिगिन

फिफ्टी वन एट डेटा इज नॉट पॉजिटिव एंड टिल द टाइम इट इज नॉट क्रॉसिंग दिस दिसकआउटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेवल फाइव लेवल्स के ऊपर जब तक ये 52, 500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिकवरी ठीक है मार्केट रिकवर करने का क्या मतलब है कि वॉट एवर दन इट हैज रिकवर दट एंटायर फॉल सो इसको रिकवर करने के लिए इट हैज टू रीच सम लेवल ठीक है एंड दिस इज दैट लेवल जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है दिस इज जस्ट अ पुल बैक सो डू नॉट कंसीडर दिस पुल बैक एज अ रिकवरी पीपल हैव बीन सेइंग कि है रिकवरी आने वाली बाय 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 हाउ कैन द रिकवरी कम वन व्हेन विक्स इज ट्रेडिंग अबाउट 16 नियरली uh, अबाउट 16 के पास अगर विक्स ट्रेड कर रहा है हाउ कैन द रिकवरी कम रिकवरी कैन नॉट कम इट इज जस्ट अ पुल बैक विक्स हैज टू फॉल बिलो 13 एट लीस्ट

रिमेंबर वे बैंक्स आर एट देर डेकेट लो वैल्यूएशन ध्यान रखिएगा इस वर्ड को दे आर एट डेकेट लो वैल्यूएशन ठीक है Banks बहुत ज्यादा इवन दो दे आर वेरी क्लोज अभी भी इतना ज्यादा फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड ही था ठीक है फिफ्टी टू वीक हाई एंड दे आर जस्ट नियरली अबाउट फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड तो केवल अगर आप देखेंगे तो हार्डली फाइव फाइव परसेंट के आसपास का ही फॉल है फ्रॉम इट्स टू वीक हाई इवन दो आई एम सींग इट इज एट डेकेट स्न ठीक है सो रिमेंबर इज समिंग विच इज एंडी निफ्टी अपने अच्छे खास वैल्युएशन पर है पहले थोड़ा हाईली ओवर वैल्यूड था यू मस्ट है मार्केट में निफ्टी uh, इंडिया के मार्केट को छोड़ के पीपल आर रनिंग एट चाइना मार्केट हांगकॉन्ग मार्केट सो दैट वॉज एक्चुअली ट्रू ठीक है आई है इज हाईली ठीक है निफ्टी अगर आपके पास मान लीजिए एक लाख रुपए है इफ यू हैव जस्ट जस्ट कंसिडर दिस इफ यू हैव वन लाख रुपीज ठीक है आप एक लाख रुपए हैं तो आप इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे आप कोई भी स्टॉक लेंगे कोई भी स्टॉक उठाकर आप डाल देंगे यू कैन पिक एनी स्टॉक ऑफ दैट बट यू कैन पुट इट ठीक है बिकॉज इट इज लिमिटेड अमाउंट एंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ी जाएगा ठीक है रिलायंस ले लो या अदानी कोई भी ले लो देन आपके जो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं वो ले लो सो so आप उसमें डाल देंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल नॉट गो डाउन ये थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन अगर आपके पास लाख करोड़ रुपए हैं जो कि अभी एफ ने निकाले हैं तो आप इस एक लाख करोड़ रुपए को डालने से पहले सोचोगे कि भैया वो मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है ऐसा ना हो मैं डाल दूंगा और ये मार्केट गिर जाए उसके बाद मैं इसको कहां तक स्ट्रेच करके ले जाऊंगा वैल्युएशन को So, कोई भी कोई भी मार्केट नॉट ओनली इंडिया एनी एनी कंट्रीज मार्केट इफ इट इज ओवर वैल्यूड एक लाख करोड़ रुपए डालने से पहले लोग सोचेंगे ठीक है सो दो इन्होंने बहुत ज्यादा डाला हुआ है बट इवन दो दे हैव टेकन दैट मनी आउट एक लाख करोड़ के आसपास निकाल दिया है रीजन बीइंग मार्केट वॉज क्वाइट ओवर वैल्यूड वैल। एंड वाला जो पैसा है धीरे धीरे इन्होंने जो अंडर वैल्यूड थे चाइना हॉगकॉन्ग उस साइड पे इन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया। टू फेयरली वैल्यूएशन ड्रॉ दैट मनी फ्रॉम दैट एंड स्टार्ट पुटिंग इन टू इंडियन इक्विटी बाय दैट टाइम हमारी इंडियन इक्विटी जो है ओवर वैल्यूड से इंडेक्सेस जो है indices, से, they would come at fair valuation. ठीक है एंड समटाइम्स एट अंडर वैल्यूएशन ठीक है अगर आप एक लाख डालने आप कहीं भी डाल सकते हो लेकिन अगर आप एक लाख करोड़ डालना चाहते हो या दस लाख करोड़ डालना चाहते run, market has kind of run, हो यू विल ओनली इन्वेस्ट एट अंडर वैल्यूएशन और एट फेयर वैल्युएस इज वॉट एज बिनिंग इन द मार्ट सो इट इज जस्ट अव बिफोर एवरी बुल रन ठीक है मार्केट हैज टू गिव सम काेक्शन ठीक है ताकि बुल रन में फायदा हो ऐट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई डालेगा तो दे नो कि भाई हमको अपना पांच परसेंट रिटर्न तो इजिली मिल जाएगा विद एन अयर दैट इज मोर देन एन अफ

फिफ्टी वन टू से मोमेंट इट इज गोइंग टू गो बिलो फिफ्टी वन टू सेवेंटी यू कैन सी अ गुड फॉल ठीक है आपको एक अच्छा खासा फॉल uh, मिल सकता है एंड द मोमेंट इट इज गोइंग टू गो अब फिफ्टी टू थ्री सेवेंटी लेवल सी अ गुड अव एटलीस्ट ट हाई ऑफ दिसल विच इज फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड जब तक फाइव हंड्रेड की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आई एम नॉट पॉजिटिव यहाँ से देर इज अ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर यह जो गैप है विच इज दिस 52, तो आपको यहां से 52, से लेकर 52, तक का आपको एक मूव देखने को मिल सकता है. But remember, 52, के ऊपर अगर डेली पर क्लोजिंग आता है, then only you will see, uh, this thing. Uh, तभी होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग से आपकी नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग विल कम दिस इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्क दीज लेवल्स

ठीक है बिकॉज मार्केट वो टू वॉलेटाइल बहुत ज्यादा अपसाइड साइड डाउन साइड बहुत ज्यादा बेकार हो रहा था मार्केट ठीक है एक एक दो दो, दो तीन दिन मतलब दो दो परसेंट का फॉल हमने देखा है मार्केट के अंदर एंड देन उसमें रिकवरी भी देखी है निफ्टी हैड फॉलन थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड पॉइंट इन अ डे एंड देन उसके बाद दो सौ पॉइंट की रिकवरी ढाई सौ पॉइंट की रिकवरी सो so इस टाइप इस का मार्केट था सो so ऐसे टाइप के मार्केट में संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड आई एम बींग एन ऑप्शन सेलर So, option selling में थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाती है सो दोस्ट थ्री पॉइंट टू फाइव लाख इन दिस मंथ एंड इज कमिंग अराउंड नियरली अबाउट ओके आई हैव मेड 3.45 लाख एंड चार्जेस वगैरह कटा के आई इज थोड़ा सा मोर देन टू परसेंट सो यू यू कैन से दैट इट इज नियरली अबाउट टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट के अमाउंट दैट आई हैव मेड इन दिस मंथ ऑफ द एम्प्लॉयड कैपिटल ठीक है मेरा जो पर्सनल टारगेट रहता है वो एनीथिंग बिटवीन थ्री टू फोर परसेंट रहता है बट वेन एवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन जब भी कभी एसेल हिट हो जाता है आई एम श्योर अगर ये एसेल हिट नहीं हुए होते तो मेरे आई वुड हैव इजीली मेड मतलब ऑलमोस्ट मेरा एक परसेंट के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें निकल गया होगा एस मतलब, एल भी हिट हुआ एंड उस दिन का मैंने प्रॉफिट भी बुक नहीं करा सो दिस इज द वे आई दसिडर इट सो उसमें मेरा ऑलमोस्ट एक परसेंट का प्रॉफिट मेरा निकल गया सो दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव मेड दिस मंथ इन दिस अकाउंट एंड अदर अकाउंट दैट आई ऑपरेट इज आई ओके सो इन दिस द सेम थिंग टू डेज एस एल एंड इस महीने में मैंने इसमें कमाया है वन लाख एटी थ्री थाउजेंड सो वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास आई हैव मेड इन दिस इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट इसमें इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा दो परसेंट से ज्यादा कमाया है इट इज नियरली अबाउट टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फोर या टू पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास है ठीक है सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी आई हैव मेड वन पॉइंट सेवन फोर एंड दिस माई अकाउंट इज सेंग हाउ मच ऑलमोस्ट हैव मेड नियरली अबाउट फाइव लाख रुपीज ठीक है विच इज स्लाइटली मोर देन टू परसेंट टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ माई कैपिटल सो दिस इज दिटर्न दट आई मेड एंड आई बिलीव आई डू नॉट बिलीव इन हाई रिटर्न मैं पांच से दस या पंद्रह परसेंट रिटर्न कभी भी नहीं चाहता हूं दट इज वट आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कीप नवर टारगेट फॉर सच हाई रिटर्न बिकॉज आप एक महीने में इतना रिटर्न ले सकते हैं एंड इट इज नॉट कंसिस्टेंट ठीक है इफ यू सी मेरा जनवरी का पीएनएल स्टेटमेंट आप देखेंगे या फेब का पीएनएल स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उसमें आई हैव मेड का रिटर्न इन अ मंथ ठीक है सिक्स या सेवन परसेंट के आसपास बट दैट कैन नॉट बी अ कंसिस्टेंट वन उसको कंसिस्टेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर विक्स वॉज हाई मार्केट वॉज वेरी बेनेवोलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो आई गोट अ गुड प्रॉफिट मार्जिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंटली मार्केट इज इन अ डिफरेंट स्टेट ठीक है एंड इस स्टेट में अपना uh, प्रॉफिट में रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ठीक है बिकॉज विक्स इज़ इज़ क्वाइट अप विक्स इसीन चल रहा है अभी एस ऑफ नो एंड फ्रॉम पास थ्री टू फोर डेज विक्स एज ब्रोकन आउट एंड इट इज गोइंग बिग राइट नाउ ठीक है यूएस के इलेक्शन है दैट इज ऑन फोर्थ फिफ्थ नवंबर को एंड रिजल्ट मे बी कमिंग आफ्टर दैट ऑल्सो सो दट इज वाई विक्स इज राइजिंग एंड दट इज वाई अवर मार्केट इज बिहेविंग इन अ डिफरेंट टेंजेंट ऑल टुगेर ठीक है एंड यूरोपियन मार्केट्स भी थोड़े डाइसी बिहेव कर रहे हैं सो दैट इज वाई मार्केट के हिसाब से अगर आपको इफ यू आर गोइंग इन प्रॉफिट दैट इज वॉट मोर इंपॉर्टेंट इज एंड इफ यू आर मेकिंग टू परसेंट दैट इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स ठीक है सो इट्स ओके एक महीने दो महीने अगर दो दो परसेंट भी होगा दैन ऑल्सो इट्स ओके सो नेक्स्ट मंथ में आई विल ट्राई अगेन फॉर थ्री टू फोर परसेंट ऑफ माई टारगेट ठीक है सो दिस इज द अमाउंट आई हैव मेड सो आई विल जस्ट कवर इट अपन मोर थिंग फॉर यू दैट वेरीफाइड पी एन एल दिस इज माई यूट्यूब चैनल इफ यू गैज हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई यू यूट्यूब चैनल आई वड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट टू इट एंड इसमें मैं आप लोगों को अपना वेरीफाइड पी एन एल हमेशा देता हूँ दिस इज माई वेरीफाइड पी एन एल this is my verified pnl many people have been utilizing using my verified pnl for selling premium groups and others so that is why this disclaimer i have put so please do not uh, get into all these things so this is my verified pnl i have made almost three 25, 000 in this account and there is one more account which is just right below this this is the second account which says that i have made an account of 1,74,000. okay so it is मैचिंग ठीक है कई लोग है जो दिमाग लगा के सर ये तो मैच नहीं हो रहा 200 दो सौ रुपए का फर्क है इसका फरक है तो भैया वेरीफाइड पीएनएल के ऊपर भरोसा करना बिकॉज इसमें चार्जेस को ऐड कर लेता है जो ये वाला हम पीएनएल कंसोल दिखाते हैं इस पीएनएल कंसोल में वो चार्जेस नहीं लगाता है सो दैट इज व थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है ठीक है सो विद माई वेरीफाइड पी इट इज ऑलमोस्ट दिस थिंग

ठीक है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट नवंबर सो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑलमोस्ट दो या बाईस सौ बाईस सौ पॉइंट के आसपास का निफ्टी के अंदर फॉल ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन परसेंट का फॉल इन बोथ इंडेसेज एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास का बिग ड्रॉप आ चुका है ठीक है सो इफ यू हैव द डेटा यू विल हैव एन एज इन द मार्केट कि आपको कब प्रॉफिट बुक करने है कब आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं ले जानी है कब आपको अपना हाथ हल्का रखना है एंड व्हेन इज द टाइम व्हेन यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स एंड बिल्ड योर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो ठीक है दिस इज ऑल्सो बिग स्टडी दैट यू शुड यू गाइज शुड नॉट इट एंड रिमेंबर दिस होल्ड्स द की ऑफ द मार्केट ठीक है सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सो इफ यू गाइज हैव नॉट अपडेटेड इफ यू हैव नॉट Uh, subscribe to this channel. I request you to please subscribe this. Yes, yesterday I gave this thing that there is a, a good move which is going to come at level uh, 12 to The main reason was there was a W pattern going on along with uh, divergence and convergence. RSI convergence was also there. So these are few uh, ideas. Then after that, it has hit uh, good. थ्री ट्वेंटी टू थ्री फोर्टी के आसपास तक हाई एटमिट मैंने इसके इसमें इस टाइम पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को नहीं दिया था बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेटा वॉज नॉट दैट पॉजिटिव निफ्टी मिड सेलेक्ट का डेटा मुझे ज़्यादा दिख रहा था, और में बन रहा था बट उसका डेटा वॉज नॉट कंड्यूसिव इसका डेटा वॉज वेरी मच कंड्यूसिव सो दैट इज वाईव गिवन डेटा ठीक है सो इफ यू जॉइन दिस चैनल आई हो आई एम श्योर यू हैव रियलाइज Uh, the difference that i try to uh, teach you in this way okay so that's it from my side i hope you have enjoyed this video and if you have really liked it i would request you to please like share and subscribe my channel for any upcoming videos okay and uh, thank you very much have a good day happy trading take care guys